नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल उल्टा चश्मा पर। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम विश्लेषण विद वानखेड़े। कई बार क्या होता है, एक फोटोग्राफ या एक तस्वीर भी जब सामने आती है तो एक बड़ी खबर बनती है। ऐसी ही एक तस्वीर लखनऊ से वायरल हुई। पाठक जी के ट्वीट पे जब मैंने देखी तब उस तस्वीर ने एक ऐसी कहानी बयां की, मुझे लगता है जिसका विश्लेषण करना जरूरी है। इसके तार दिल्ली से जुड़े हुए हैं, इसके तार 2024 के चुनाव पे जुड़े हुए हैं, इसके तार बिहार से जुड़े हुए हैं, इसके तार कई जगह से जुड़े हुए हैं। तस्वीर वो है कि उत्तर प्रदेश की उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य, जो कई दिनों से कोप भवन में थे, दो दो कैबिनेट उन्होंने अटेंड नहीं की, दीपोत्सव अटेंड नहीं किया और एक तड़का लगा दिया उत्तर प्रदेश की राजनीति में कि पिछड़े होने की वजह से उन पर अन्याय होता है, वो नाराज है। इसके पहले भी चार चार सांसदों ने पत्र लिखकर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ दलित उत्पीड़न या दलित सांसदों को तवज्जो नहीं दी जाती ये बात कही। ये बात अलग है कि पांच सांसद उनके फेवर में भी उतरे थे दलित, लेकिन इस बार ये मामला अलग है। तस्वीर क्या थी? तस्वीर ये थी कि केशव प्रसाद मौर्य एक मीटिंग को एड्रेस कर रहे हैं, वो मीटिंग ले रहे हैं अधिकारियों की। एक तरफ चीफ सेक्रेटरी बैठे हैं, एक तरफ डीजीपी बैठे हैं, सारे बड़े नेता जो मुख्यमंत्री के, सारे बड़े अधिकारी जो मुख्यमंत्री के बैठक में हाजिर होते हैं वो उप मुख्यमंत्री के बैठक में हाजिर थे। ये ऐसा उत्तर प्रदेश में पहली बार हुआ और ऐसा पहली बार इसलिए हुआ क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य हाशिए पे थे। पिछली बार उप मुख्यमंत्री थे लेकिन कुछ खास तवज्जो नहीं दी गई। इस बार तो बेचारों को चुनाव भी हरवाया गया, फिर वो अपने वजूद पे फिर उप मुख्यमंत्री बने। लेकिन भी ढाक के तीन बात, वही अवहेलना और वही साइडलाइन पे पड़े रहना। लेकिन ये तस्वीर जब प्रदेश के सूबे के सारे बड़े अधिकारी उनके सामने नम्रता से बैठे हैं, मानो मुख्यमंत्री मीटिंग चेयर कर रहे, ये या तो मुख्यमंत्री या गृह मंत्री जब मीटिंग लेते हैं तो ये तमाम अधिकारी उस मीटिंग में होते हैं। ऐसा क्या बड़ा बदलाव आया कि केशव प्रसाद मौर्य के सामने ये तमाम अधिकारी, जिनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कान आंख नाक समझे जाते हैं योगी आदित्यनाथ के, वो भी नतमस्तक होते हुए सामने ओबीडियंट स्टूडेंट जैसे खड़े थे। कुछ दिन पहले जब केशव प्रसाद मौर्य जी ने बायकॉट किया, यानी अपना दोनों कैबिनेट में वो चले नहीं गए, दो कैबिनेट ऐसी मीटिंग हुई जिसमें उप मुख्यमंत्री नहीं थे, तो ये एक बताया गया कि दिल्ली में एक प्रयास हुआ योगी आदित्यनाथ को समझाने का कि आप गृह मंत्रालय छोड़ दीजिएगा और गृह मंत्रालय केशव प्रसाद मौर्य संभालिए। लेकिन योगी है को मानने को तैयार नहीं, वो किसी भी हालत में गृह मंत्रालय देने को तैयार नहीं थे। और उसकी परिणति ये हुई कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के पूरे सत्ता समीकरण में या संगठन में भाजपा में एक घमासान होने लगा। दिल्ली में भी जो गुजरात की राजनीति का द्वंद है, जो गुजरात की राजनीति में आनंदीबेन और अमित शाह आमने सामने हैं, वो यहाँ पे भी हो रहा है। आनंदीबेन पटेल और योगी एक हो गए, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का उनके ऊपर वरदस्त है ऐसा बताया जाता है, और दूसरी तरफ अमित शाह तलवार लेके मैदान में है। अमित शाह कभी राजभर के कंधे से बंदूक चलाते हैं तो कभी केशव प्रसाद मौर्य से। केशव प्रसाद मौर्य जो कहते हैं या राजभर जो कहते हैं वो उनकी स्थिति नहीं, वो किसी ना किसी बड़े ताकत का समर्थन है इसलिए कहते हैं, और वो ताकत अमित शाह कहते हैं। क्या अमित शाह ने, गृह मंत्री ने, केंद्र क्या उनके कार्यालय से, क्या केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के राजनीति में एक नया पावर सेंटर बन के उभर रहे हैं? क्या केशव प्रसाद मौर्य को तवज्जो देना ये भाजपा की भी मजबूरी है? क्योंकि जातिगत जनगणना का जब से कार्ड खेला नीतीश कुमार ने, भाजपा बैकफुट पे है। यदि मध्य प्रदेश में भाजपा हारती है और जीतती भी है तो भी शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनना तय नहीं है, ना उनके चेहरे पे चुनाव लड़ाया गया ना उनके प्रोजेक्ट किया गया। वर्तमान में शिवराज सिंह चौहान अकेले एक ओबीसी बैकवर्ड मंत्री थे, मुख्यमंत्री उनके पूरे कुनबे में थे, बाकी सारे मुख्यमंत्री सवर्ण हैं। ऐसे में
यदि मध्य प्रदेश में पार्टी हारती है जहां मुख्यमंत्री बनाने का सवाल नहीं उठता, छत्तीसगढ़ में जगह नहीं है, यदि राजस्थान में सरकार बनती भी है तो वसुंधरा मजबूरी हो सकती है, क्या कोई बैकवर्ड या दलित मुख्यमंत्री बीजेपी के तरकश में होगा ही नहीं? तेलंगाना में जरूर ये कह रहे हैं कि यदि हम आएंगे तो बैकवर्ड को मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन तेलंगाना में आने की दूर दूर की संभावना नहीं। तेलंगाना में सीधा सीधा लड़ाई बीआरएस यानी केसीआर की जो पार्टी सत्ता में है और कांग्रेस के बीच में है। ये ऐसी सिचुएशन में क्या केशव प्रसाद मौर्य को आगे लाया जाएगा, क्या उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदलेगा, या केशव प्रसाद मौर्य को जरूरत से ज्यादा ताकत देके ये बताने का प्रयास करेगा किया जाएगा कि पिछड़ों और ओबीसी को भी हम सत्ता में देते हैं। केंद्र की बात आती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं ओबीसी कहलाते हैं और फिर सभी कहते हैं कि प्रधानमंत्री ओबीसी है तो डरने की क्या बात है, लेकिन प्रधानमंत्री ओबीसी जरूर है, बाय बर्थ ओबीसी है, लेकिन उनका जो कार्य शैली है वो एक किसी सामंत से कम नहीं। ठाकुरों का बोलबाला तो यूपी में भी है और ठाकुर कितने डोमिनेंट है ये उत्तर प्रदेश की जनता को बताने की जरूरत नहीं। तो केशव प्रसाद की क्या लॉटरी लग सकती है? और आज की मीटिंग कोई खास मीटिंग, क्योंकि ऐसा कोई इवेंट नहीं, मुख्यमंत्री अब्सेंट नहीं, मुख्यमंत्री अब्सेंट भी हो तो वो किसी को डेप्यूट करके जाते हैं कि ये मेरे पीछे संभालेंगे, ऐसा कोई डेप्यूटेशन का कागज नहीं तो वो बड़ी खबर बनता। यदि संसद विधानसभा का सत्र है उसके लिए ये मीटिंग ली जाती है तो फिर डिप्टी चीफ मिनिस्टर क्यों लेंगे, वो तो संसदीय कार्य मंत्री भी ले सकते हैं, और उसमें चीफ सेक्रेटरी से लेकर डीजीपी तक क्यों आए? ऐसे कई सवाल जिसके जवाब किसी के पास नहीं, लेकिन ये जरूर है कि 2024 के चुनाव के पहले केशव प्रसाद मौर्य को सामने जरूर लाया जाएगा, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य ही एक ऐसी काट हो सकती है। पिछली बार 71 जीती थी, उसके बाद 62 जीती, 9 सीटों का तो झटका उस समय लगा जब पूरे देश में राष्ट्रवाद का तड़का लगा था, सर्जिकल स्ट्राइक की गूंज थी और 300 से ज्यादा बहुमत बीजेपी को मिला, लेकिन उत्तर प्रदेश में 9 सीटें खोनी पड़ी। 2014 और 2019 में 9 सीटें खोनी पड़ी, और यदि यही ठाकुरवाद चला, यही जातीय जनगणना का बोलबाला शुरू हो गया, और नीतीश जो पड़ोस के राज्य में है कुर्मी, यदि उसने थोड़ा उत्तर प्रदेश की तरफ ध्यान दिया तो फिर क्या उत्तर प्रदेश में ओबीसी जो एक बड़ा तबका है बीजेपी का मतदाताओं का, वो छिटक सकता है क्या? और यदि वो छिटक गया तो फिर क्या बीजेपी 20-25 पे रह जाएगी सिमट के 62 से? ये डर है। लेकिन फिर केशव प्रसाद मौर्य पहली बार भी जब बीजेपी सत्ता में आ गई थी, योगी को मुख्यमंत्री बनाया गया था, तब अध्यक्षता पार्टी की राष्ट्र उत्तर प्रदेश के केशव प्रसाद मौर्य के हाथ में थी। लग तो ये रहा था कि मौर्य साहब मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन फिर मनोज सिन्हा का नाम चला, मनोज सिन्हा की जगह एक शॉक ट्रीटमेंट के तहत संघ ने भगवाधारी योगी आदित्यनाथ को उतारा, जिनका कहीं से कहीं तक कोई नाम नहीं था। और जब योगी आदित्यनाथ आए तो दूसरी बार वो मजबूरी हो गए। क्या राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद मुख्यमंत्री बदलेगा, या फिर केशव प्रसाद मौर्य को जरूरत से ज्यादा तवज्जो मिलेगी, गृह मंत्रालय मिलेगा, या उनके हाथ में इतने पावर दिए जाएंगे कि वो उनका सिक्का उत्तर प्रदेश में चलने लगेगा? ऐसे कई चीजें हैं जो उत्तर प्रदेश के राजनीति को प्रभावित कर रही है, लेकिन आज का फोटोग्राफ यकीनन आने वाले उत्तर प्रदेश के राजनीति के तूफान के पहले की खामोशी है। ये इंडिकेशन है कि कहीं दूर भूकंप हो गया है, और जब सुनामी चलेगी और जब तट पे गिरेगी तो तबाही मचेगी। अब इस तबाही में क्या होता है, भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी नुकसान होता है, या फिर इंडिया गठबंधन के उस जातीय जनगणना का काट सामने आता है, ये तो समय बताएगा। लेकिन वर्तमान में ये फोटोग्राफ बहुत बड़ी खबर मुझे दिखाई दी, इसलिए आपके सामने विश्लेषित किया। आज इतना ही, कल फिर आऊंगा किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा YouTube चैनल उल्टा चश्मा।